राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। मौजूदा वक्त में मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के राउत रेवन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान 207 CRPC अनुपालन में देरी को लेकर ED और आरोपी के बीच बहस हुई। इस दौरान जज ने दस्तावेजों के निरीक्षण में देरी पर दोनों से सवाल पूछे। मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने ED से जवाब मांगा कि प्रत्येक आरोपी ने अब तक दस्तावेजों के निरीक्षण में कितना समय लिया है। वहीं आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से अपनी विधानसभा पटपड़गंज की जनता के नाम पत्र लिखा है, जो शुक्रवार को सामने आया। इस पत्र में उन्होंने कहा, मैं जल्द ही जेल से बाहर निकलूंगा। मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा, पिछले एक साल में मुझे आपकी बहुत याद आई है। सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया है। जैसे आजादी के वक्त सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ है। वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठ आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक महात्मा गांधी को जेल में रखा था। नेक्सल मंडेला को भी जेल में डाला। ये लोग मेरी प्रेरणा हैं और आम आदमी पार्टी, आप सब मेरी ताकत है। वहीं मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा के लोगों की ओर मुखातिब होते हुए लिखा कि जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा है। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा है। सीमा आपकी सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती है। आप सब अपना ख्याल रखिए, जल्द बाहर मिलेंगे। लव यू ऑल। PNP टाइम्स की रिपोर्ट।